बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज अयाज मुस्तफा। आई एम फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। आई विल टीच यू द सब्जेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, FCMA। सबसे पहले हम इसके पेपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसका जो पेपर है वो किस पैटर्न पे आएगा। एज यू पीपल नो दैट दिस इज अ सीबी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फर्स्ट टाइप इज MCQs, सेकेंड टाइप इज MTQs। सेवेंटी मार्क्स जो है वो आपके MCQs के होंगे। थर्टी मार्क्स जो है वो MTQs के हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और आपको पता है कि आपका जो पासिंग परसेंटेज है, या हम कह सकते हैं दैट इज 50%। इट मीन्स के पेपर में कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं है कि आपने MCQs में से 50% नंबर लेने हैं या MTQs में से 50% नंबर लेने हैं। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आपने ओवरऑल पेपर में से 50% नंबर्स को स्क्योर करना है इन ऑर्डर टू गेट थ्रू। अब आपको जैसे कि पता है कि ये पेपर MCQs है, आपने पहले भी MCQs पेपर दिए होंगे। अब मैं जरा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास को सेग्रीगेट करूं, तो जो पेपर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मैनेजेरियल लेवल वन का पेपर है। मैनेजेरियल लेवल वन में एक तो वो स्टूडेंट्स आए होंगे जो FSC बैकग्राउंड से लेवल वन ऑपरेशनल लेवल टू क्लियर करके मैनेजेरियल लेवल वन तक आए। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको सीबी एग्जामिनेशन का ऑलरेडी नो हाउ है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया होगा आफ्टर ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ICMA के साथ ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इसलिए मैं उनके हवाले से भी ये सारा बता रहा हूं कि ICMA का ये जो आपका पेपर होगा, मैनेजेरियल लेवल वन के जितने भी पेपर हैं उनमें से FCMA का जो पेपर है वो MCQs और MTQs पे मुश्तमिल होगा। तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनमें हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग अपने बीकॉम की स्टडीज में पढ़ा होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से ये लोग जानते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कॉमर्स हैं, उनके कॉमर्स की बैकग्राउंड नहीं है, इस पेपर को पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे कि मेरे सब्जेक्ट का नाम भी है फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स मीन एट अ वेरी बेसिक लेवल, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तीनों तरह के स्टूडेंट्स को साथ लेके चलूं। मैं उस लेवल से आपको टीच करूं कि आपको इसके फंडामेंटल जो है वो समझने में
बहुत आसानी है। ये जो एमटी क्यूज है ये 3 क्वेश्चंस होंगे टोटल और 10 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क्स का ये आपका एमटी क्यू पोर्शन है। हमारे लेक्चर का टीकाकार ये होगा कि मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दिया करूंगा और फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम एमसीक्यूज और एमटी क्यूज दोनों की प्रैक्टिस किया करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और कोशिश होगी कि आपको पहली दफा में ही समझ आ जाए। इन केस कोई इशू होगा तो हम उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में देख लेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आपने क्लास में आना है तो आपके पास स्क्रीन के अलावा आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन हो और कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग का पेपर है, न्यूमेरिक इसमें कैलकुलेशंस होंगी, तो आई प्रेफर कि आपके पास क्लास टाइम में कैलकुलेटर जरूर होना चाहिए। और आप इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, आप इस स्क्रीन को मोबाइल पे या लैपटॉप पे जूम करके भी देख सकते हैं, जैसे कि आप इसको ट्राई करेंगे तो ये स्क्रीन जूम हो रही होगी, तो आप इसके स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप मैक्सिमम जितना नोट कर सकें उसको नोट करें। अब मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस दिखाता हूँ। हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस आईसीएमआर पाकिस्तान की वेबसाइट से ही मैंने लिया है, आपको वहां से भी मिल जाएगा। इस सिलेबस के 4 हिस्से हैं, Part 1, Part 2, इसको ABCD के नाम से दिया होगा, Part A, Part B, Part C एंड Part D। दिस इज योर Part 1, दैट इज Part A, नेचर सोर्स एंड पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन सोर्सेज ऑफ डाटा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। दिस होल पार्ट इज हैविंग अ वेटेज ऑफ 10%। ये जो 10% वेटेज है इसका मतलब है कि आपके जो क्लास आवर्स हैं उसमें से भी 10% इस एरिया को दिया जाएगा, और ऑलमोस्ट आपका जो एग्जामिनेशन है एमसीक्यूज और एमटीक्यूज वो इस एरिया में से 10% वेटेज के साथ कवर हो रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये जो पहला एरिया है, इस पहले एरिया में खास तौर पर ये वाला जो टॉपिक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाला, इट इज हाईली इम्पोर्टेंट। ये आपका बेस बनेगा पूरे थ्रू आउट सिलेबस को आगे लेके चलेंगे हम इसके कॉन्सेप्ट्स की बेस पे। हम सबसे पहले जो Part A में चीज स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द कॉस्ट क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट Part B कॉस्टिंग सिस्टम्स है, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स। अब जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, बी कॉमर्स है, उन्होंने ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, इसलिए उनको इनके नाम का मतलब पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने FSC बैकग्राउंड से या जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स है उनका भी फिलहाल ये सारी चीजें हो सकता है कि समझ ना आ रही हो कि मटीरियल क्या चीज है, लेबर क्या चीज है, ओवरहेड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये 3 कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं जो हमने कॉस्टिंग सिस्टम में Part B में 20% इसकी वेटेज है, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द आवर्स विल बी एलोकेटेड फॉर क्लास आवर्स टू दिस एरिया एंड द पेपर विल आल्सो बी कवरिंग ऑलमोस्ट 20% वेटेज इन दिस एरिया। Part C कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स, दिस इज 40% वेटेज। Absorption costing, marginal costing, job batch and service costing, then process costing, joint products and byproducts. ये 40% weightage है इस सारे area की, ये इसमें हम costing system पढ़ेंगे क्योंकि इस subject का नाम है fundamentals of cost and management accounting। तो अभी हम थोड़ी देर बाद discuss करेंगे कि cost accounting क्या चीज है, management accounting क्या चीज है।
ये कॉस्टिंग सिस्टम जो है उस चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी तरह पार्ट डी इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। इसमें हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस पढ़ना है। 20% वेटेज है इसकी। तो ये मैंने सिलेबस का आपको ओवरव्यू दिया है कि देर आर फोर पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए, बी एंड डी आर हैविंग 20% वेटेज, वेयर एज पार्ट सी इज हैविंग 40% वेटेज। आप लोगों ने अकाउंटिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया होगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन लेवल वन पढ़ा है उन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक टाइप है जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। तो वहां पर ही एक बात डिस्कस होती है कि देर इज एन अदर टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग से लेकर चलता हूँ। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ये बात आती है कि जब हम कोई चीज बाय करते हैं, वेन एवर वी बाय समथिंग, ये कितने की है। फॉर एग्जाम्पल अ पेन। इफ वी बाय अ पेन फॉर ₹20 तो इट मींस दिस इज कॉस्ट। हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट एज अ नाउन। लेकिन कॉस्ट का जो यहां पे मतलब है, जो हमारे सब्जेक्ट में है, वो हम एज अ वर्ब यूज करेंगे, कॉस्ट। कॉस्ट एज अ वर्ब मीन द कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि प्रोडक्ट क्या चीज है, तभी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। एनी फिजिकल आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल अ पेन, अ शर्ट, अ मोबाइल, पीसी। देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, दे आर फिजिकल। देर आर सर्टेन टाइप ऑफ अदर बिजनेसेस एज वेल विथ सर्विसेस। नो फिजिकल आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट सर्विसेस। इंटरनेट इज नॉट अ फिजिकल आउटपुट, एजुकेशन इज नॉट अ फिजिकल आउटपुट, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज नॉट अ फिजिकल। तो कंपनी जो है वो प्रोडक्शन का काम भी कर रही होती है, सर्विसेज भी ऑफर कर रही होती है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है दोनों हमारे स्कोप को कवर करेंगे। इसीलिए हमने देखा कि सिलेबस के एक एरिया में सर्विस कॉस्टिंग का नाम भी था कि अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में है तो सर्विसेज की कॉस्टिंग कैसे होगी। तो
मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जहाँ पे बनेगी वहाँ की कॉस्टिंग के हवाले से हम बात करेंगे, और जो सर्विसेज होंगी हम उसके हवाले से देखेंगे। तो सबसे पहले कॉस्टिंग जो है उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट, व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट हैज टू एस्पेक्ट्स। वन इज द नाउन, दैट इज हाउ मच वी हैव टू पे फॉर गेटिंग समथिंग, तो वो भी कॉस्ट है। और अगर कॉस्ट को एज अ वर्ड देखा जाए तो इट मीन्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो हम पहले प्रोडक्शन की बात कर रहे होंगे, इसलिए मैंने डेफिनेशन में द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। जी क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, रेज हैंड कर रहे हैं। जी क्लास का टाइम जो है वो चेंज हुआ है, क्लास इस टाइम पे हुआ करेगी फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। एमटीक्यूज बेटा ऐसे सवाल होते हैं कि जिसपे आपको ऑप्शन टिक नहीं करनी, बल्कि थोड़ा उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। एक ही सिनेरी होगा, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपको वैल्यूज इनपुट करनी होगी। तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह है, लेकिन होगा वो कंप्यूटर पे ही। आपको उसका एक इंटरफेस दे दिया जाएगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब हम एमटीक्यूज पे पहुंचेंगे। लेकिन जैसे मैं बता चुका हूँ कि 70% जो है वो वेटेज एमसीक्यूज की है। जी पार्ट ए की वेटेज जो है वो 20% ही है, वो मैंने बता दी है। नहीं पार्ट ए की शायद, जी 20 है। मैं आप लोगों को इस जो सबसे पहला एक और सवाल है कि बुक हम किस बुक को फॉलो करेंगे, तो आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू और एमटीक्यू वाला पेपर है। तो इस हवाले से आप जो बुक फॉलो कर सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ACCA F2 बुक का टाइटल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसी तरह आप सीमा की बुक जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं। सीमा में इसका जो सेम सिलेबस है वो P1 है। इसी तरह कॉस्ट के लिए एक और बुक जो है वो काफी फेमस है, मैथ्स यूजरे। उस बुक को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो बुक जो है वो लॉन्ग सिनेरियोज वाली किताब है, उसमें ज्यादातर सिनेरियोज लॉन्ग हैं। तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क पे आए। जो ACCA और सीमा की बुक्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड फॉर एमसीक्यूज एंड एमटीक्यूज, तो वहां पे आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। फिर इसके अलावा मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको उसके हैंडआउट्स भी शेयर करवा दूंगा, कोई किसी वे आउट से वाया ईमेल और सम अदर थिंग। तो आपको जो मैं अभी नोट्स भी आपके सामने मैं लेके आऊंगा, स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे, तो वही वाले नोट्स मैं आपको सेंड भी करवा दूंगा। तो आप लोग ACCA, सीमा या मैथ्स यूजरे तीनों किताबों को कंसल्ट कर सकते हैं, और जो मेरे हैंड आउट्स हैं वो भी प्रिसाइज हैं। अगर आप उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लें और लेक्चर सुन लें तो आप लोगों को पास करने में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम किसी चीज को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली हम बुक्स उसको डिफाइन भी करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस वेयर
रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, यूनिवर्थ मैन्युफैक्चर शर्ट्स पैंट्स टाइज एंड अदर क्लोदिंग फॉर इट्स कस्टमर्स। लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल कॉस्ट दैट वी कैन आइडेंटिफाई एज अ लेमैन एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट्स ओनली। जी मैं आपको कोई टेक्निकल नॉलेज में नहीं लेके जा रहा कि एक कंपनी है वो शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, हमें उसकी शर्ट से रिलेटेड कॉस्ट की लिस्ट बनानी है एज अ लेमैन, नॉट एज एन अकाउंटेंट। तो हम सबको पता है कि शर्ट में एक मेन कंपोनेंट क्लॉथ है, तो उस कंपनी की क्लॉथ की कॉस्ट होगी, बटन्स की कॉस्ट होगी, अदर मटेरियल्स लाइक कॉलर कॉस्ट, डिजाइनिंग करवाई होगी किसी डिजाइनर ने, उसकी शर्ट की डिजाइनिंग की होगी, उसको कुछ पे किया होगा, स्टिचिंग कॉस्ट, उस कंपनी के पास टेलर्स हैं जिनको कंपनी पे करती है, तो स्टिचिंग कॉस्ट, रॉयल्टी। रॉयल्टी कहते हैं कि एक ब्रांड नेम यूज करने के लिए जो ऑनर ऑफ द ब्रांड होता है उसको हम एक पर यूनिट बेसिस पे कुछ पे करते हैं। लाइक अगर शर्ट है, शर्ट पे यूनिवर्थ का टैग है, तो जो यूनिवर्थ का ऑनर है उसने कुछ चार्ज करना है इन शेप ऑफ दैट नेम, तो उसको रॉयल्टी कहेंगे। रॉयल्टी इज द अमाउंट पेड टू द ऑनर ऑफ अ बिजनेस फॉर द यूज ऑफ हिज ब्रांड नेम। देन मशीन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी, जाहिर है मशीन बिजली पे चलेगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मशीन की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उस कंपनी को बियर करनी है। मशीन की लुब्रिकेशंस की कॉस्ट है, मशीन मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग होगी उस कंपनी में, तो उस कंपनी को कॉस्ट बियर करना पड़ेगी। फैक्ट्री क्लीनिंग मटेरियल्स लाइक सरफेस क्लीनर्स, फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री की इंश्योरेंस होगी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी होगी, सुपरवाइजर की सैलरीज होगी, मशीन इंश्योरेंस होगी, एडमिन एंड एचआर डिपार्टमेंट की सैलरीज है, मशीन डेप्रिसिएशन है, अकाउंटेंट सैलरी है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अदर देन मशीन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फैक्ट्री में सिर्फ मशीन नहीं है, मशीन के अलावा भी लाइटिंग हीटिंग इस तरह की कॉस्ट होती है, तो इसको मैंने पॉइंट नंबर 19 में फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अदर देन मशीन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लिख दिया। देन डीजल यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक इन जनरेटर्स। तो हमने एक लिस्ट बनाई, इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट हो सकती है, हमने एक मुख्तसर सी लिस्ट बनाई है कि एक कंपनी जो शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है उसको ये कॉस्ट जो है वो बियर करना पड़ती है। एज अ ले मैन वी मेक अ लिस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग में जब भी हमने किसी भी इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, एक बात याद रखिएगा कि ये चीजें एक पर्टिकुलर सिनेरियो में डिस्कस हुई है, यानी अगर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें ये कॉस्ट है, अगर हम सिनेरियो चेंज करें तो उसमें कॉस्ट चेंज हो जाएगी, कॉस्ट की आइटम्स चेंज हो जाएंगी। सो देयर इज नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स, फिक्स्ड रूल्स और इवन फिक्स्ड एग्जांपल, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ते रहे हर चीज एज पर स्टैंडर्ड चलती है, तो यहाँ पे आपको एक सर्टन सिचुएशन में देखना है कि इस सिचुएशन में कौन सी चीज क्या है। तो हमने ये एक लिस्ट बनाई है। अब मैं आपके साथ चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं जी। इस चैप्टर में हमने जो टोटल चीजें पढ़नी है उनकी समरी मैंने आपके सामने लिख दी है। चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर कंट्रोल, टोटल प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फंक्शनल कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट कोड्स, कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ये आपके सिलेबस के एरिया को यहाँ पे कॉपी किया गया है कि जो जो चीजें आपने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में करनी है वो ये है। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में करनी है। सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं।
द वर्ड कॉस्ट कैन बी यूज इन टू कॉन्टेक्स्ट. इट कैन बी यूज एज अ नाउन, फॉर एग्जाम्पल वेन वी आर रेफरिंग टू द कॉस्ट ऑफ एन आइटम. ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी यूज एज वर्ब. For example, we can say that we are attempting to cost an activity when we are undertaking the task necessary to determine the cost of carrying out that activity. तो ये दोनों context है, noun और verb दोनों में, कि जब हम किसी चीज को buy कर रहे हैं तो जो cost आती है उसे हम cost as a noun कह रहे हैं. And when we are manufacturing something, we are performing any activity, तो उस particular activity की क्या cost है. The word cost can rarely stand alone and should always be qualified as to its nature and limitations. You will see throughout this text that there are many different types of cost and that each has its usefulness and limitations in different circumstances. Some of the basic concepts. ये जो बहुत important है, ये पहली पांच बातें जो आपके सामने नजर आ रही हैं, ये आपको सबसे पहले लर्न करनी है इन ऑर्डर टू गो फर्दर. यूनिट कॉस्ट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है. यूनिट कॉस्ट मीन द कॉस्ट पर यूनिट. आई रिपीट, यूनिट कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट पर यूनिट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी बाय अ पेन at a rate of rupees 10 per unit, so rupees 10 is the unit cost. I hope कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी कि जब हम कोई चीज बाय करते हैं तो वो एक यूनिट कितने का होता है उसको हम यूनिट कॉस्ट कहेंगे. इसी तरह अगर हम बना रहे हैं तो whenever we manufacture a one unit, तो वो वन यूनिट कितने में मैन्युफैक्चर हुआ उसको हम यूनिट कॉस्ट कहेंगे. दोनों कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया. Another example, we can buy eggs at rupees 120 per dozen. Suppose किया कि हम इतने पे एक dozen egg buy कर रहे हैं. So rupees 120 is the cost per dozen. Here we assume that a dozen as a unit of measurement for sale of eggs. तो unit cost very simple, कि आपका जो चीज है वो किस हिसाब से आप सेल कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो पर यूनिट बेसिस पे जो आपकी कॉस्ट होगी उस चीज को हम कहेंगे यूनिट कॉस्ट. द सेकंड इज कॉस्ट यूनिट. यूनिट कॉस्ट एंड कॉस्ट यूनिट. यूनिट कॉस्ट में तो हमने कहा कि एक यूनिट कितने का है तो वो यूनिट कॉस्ट होगी. कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट मीन्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट. जैसे इसी एग्जाम्पल में हमने कहा कि एग्स डजन में सेल हो रहे हैं, सो डजन इज अ कॉस्ट यूनिट. और पेन हमने कहा कि एक पेन कितने का है, सो अ यूनिट इज अ कॉस्ट यूनिट. इसको मैं आपको दिखाता हूं. कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट. दिस मीन्स दैट अ कॉस्ट यूनिट कैन बी एनीथिंग फॉर विच इट इज पॉसिबल टू असर्टन द कॉस्ट. यानी हर वो चीज जिसके साथ हम कॉस्ट अटैच कर सके उस चीज को कॉस्ट यूनिट कहेंगे. द कॉस्ट यूनिट सिलेक्टेड इन ईच सिचुएशन विल डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द पर्पस, द कॉस्ट असर्टेनमेंट एक्सरसाइज एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. कॉस्ट यूनिट्स कैन बी डिवेलप्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल, पब्लिक सर्विस बेसिस. सम एग्जाम्पल्स आर, इन एग्जाम्पल से जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट से क्या मुराद है. मैंने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज आपके सामने लिखी है. पहली है जी ब्रिक मेकिंग, जो ईंटे बनाते हैं तो वो किस हिसाब से सेल करते हैं, वो करते हैं जी 1000 ब्रिक्स कितने की है. सो पर 1000 ब्रिक कॉस्ट यूनिट इज 1000 ब्रिक्स. इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट का रेट होता है पर मेगावाट या पर किलोवाट आर. तो जो किलोवाट आवर्स है ये कॉस्ट यूनिट है.
प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, तो उसमें पर चार्जेबल आवर्स, यानी जितने आवर्स होंगे पर आवर का रेट है। सो इन केस ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज द कॉस्ट यूनिट इज चार्जेबल आवर्स। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्रेडिट को कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ये दे उसके लिए किस हिसाब से कॉस्ट सर्टन की जाएगी। अकाउंट्स मेंटेन्ड, सेलिंग के लिए कस्टमर कॉल। जी मैं रिपीट करता हूँ कॉस्ट यूनिट को। कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी आपको कोई चीज किस हिसाब से मिलती है। सिंपल कर लेते हैं कि आपको कोई चीज किस हिसाब से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क बाय करना है तो वो लीटर में होगा, सो लीटर इज द कॉस्ट यूनिट फॉर मिल्क। पेट्रोल अगेन लीटर है, फ्लोर केजीज है। ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 1000 ब्रिक्स का हिसाब होता है, एक या 100 50 का नहीं बल्कि 1000 ब्रिक्स का हिसाब होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो किलोवाट आवर्स के हिसाब से चार्ज करती है, सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कॉस्ट यूनिट इज किलोवाट आवर्स। प्रोफेशनल सर्विसेज में कॉस्ट यूनिट चार्जेबल आवर्स होगा। क्रेडिट कंट्रोल में अकाउंट्स मेंटेन्ड है और सेलिंग में कस्टमर कॉल है। ये सारी चीजें जो है ये मैन्युफैक्चरिंग में थी। कॉस्ट यूनिट, ये जितनी मैंने इंडस्ट्री आपके सामने रखी है ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी। ब्रिक मेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कंट्रोल, सेलिंग। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेके चल रहे हैं, कॉस्ट यूनिट की बात ही कर रहे हैं, लेकिन द वर्ड इज कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट मीन्स कंप्लेक्स, इट मीन्स कि कॉस्ट यूनिट जो है वो एटलीस्ट दो चीजों से मिलके बन रहा होगा। कॉस्ट यूनिट में दो कॉस्ट यूनिट आ रहे होंगे। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स आर यूज्ड इन सर्विस इंडस्ट्री, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम मैन्युफैक्चरिंग को भी डील करेंगे इस सब्जेक्ट में, सर्विसेज को भी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की एग्जांपल मैंने आपको शो कराई है कि ब्रिक मेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग है। इसी तरह और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल की मैंने एग्जांपल दी तो वहां पे कॉस्ट यूनिट लीटर है। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स, इसमें आप सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा होगा, मैं एग्जाम्पल से आपको इसको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल होटल, होटल इंडस्ट्री जो है वो कॉस्ट किस हिसाब से चार्ज करती है, क्योंकि हमने ये डिफाइन किया कि कॉस्ट यूनिट वो चीज है जिस हिसाब से कॉस्ट चार्ज की जाएगी। तो होटल इंडस्ट्री कॉस्ट चार्ज करती है पर रूम पर नाइट, कि आप जितने रूम बुक करेंगे, जितनी नाइट्स के लिए करेंगे, उस हिसाब से आपसे कॉस्ट चार्ज की जाएगी। तो आप देखें यहाँ पे दो चीजें आ गई, रूम भी और नाइट भी। सो दिस इज अ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, दिस इज नॉट द नॉर्मल सिंगल कॉस्ट यूनिट जस्ट लाइक इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। वहां पे एक चीज थी कि ब्रिक्स है तो 1000 ब्रिक्स इतने की है, दैट वाज अ सिंपल कॉस्ट यूनिट। जबकि सर्विसेज जितनी भी होंगी वहां पे पर रूम पर नाइट। इसी तरह बस और रेलवे कंपनी की अगर हम बात करें तो वो वहां पे कॉस्ट यूनिट होगा पर पैसेंजर पर माइल, के हर पैसेंजर से चार्जिंग की जाएगी फेयर की, और जिसने जितने दूर जाना है उस हिसाब से किराया चार्ज किया जाएगा। सो पर पैसेंजर पर माइल। हॉस्पिटल्स, पर पेशेंट पर डे, कि जितने पेशेंट्स होंगे हर पेशेंट से कॉस्ट चार्ज की जाएगी और पर डे के हिसाब से कॉस्ट चार्ज की जाएगी। एजुकेशन इंडस्ट्री जस्ट लाइक आईसीएम में, पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट, आपसे जो फी चार्ज की जाती है, एजुकेशन इज अ सर्विस प्रोवाइडर्स, आईसीएम में आपसे किस हिसाब से चार्ज करता है, हर स्टूडेंट से फी चार्ज हो रही है और हर सब्जेक्ट की हो रही है, सो द कॉस्ट यूनिट इज पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट। इसी तरह कुरियर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो कुरियर सर्विसेज में वो चार्ज करते हैं, वेट करते हैं कुरियर का कि कितना है पर केजी पर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल एक 1 केजी का पार्सल है, वो कराची से मुल्तान आना है तो उसका रेट और होगा, और एक 1 केजी का पार्सल कराची से लाहौर आना है तो उसका रेट और होगा। सो द कुरियर सर्विसेज आर चार्जिंग पर केजी पर किलोमीटर। ये जितनी एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की है ये वाली, दीज आर ऑल सर्विस इंडस्ट्रीज। सो व्हेनेवर देयर इज अ सर्विस इंडस्ट्री,
कॉस्ट यूनिट्स विल बी द कंपोजिट वन, यानी इसके अंदर दो चीजों को एट ए टाइम कंसिडर किया जा रहा होगा। मैं जरा क्वेश्चंस को देख लूं जो आपने पॉइंट्स पूछे हैं। आप इसी दौरान जरा इसको अपने नोट्स को रिवाइज कर लें। जी, मैं अब आपको जरा ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया है। नेम इज सियाज मुस्तफा, आई एम फेलो मेंबर ऑफ आईसीएमए पाकिस्तान। आई विल टीच यू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जी सीबी एग्जाम है, इसमें एमसीक्यूज होंगे और एमटीक्यूज होंगे। सी एमसीक्यूज आप सारे समझते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कि चार में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी होगी। 70 मार्क्स है इसके पेपर में वेटेज। एमटीक्यूज मल्टीटास्किंग क्वेश्चन जो है, इसमें आपको एक सिनेरियो बताया जाएगा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स के आपके एमटीक्यूज हैं। देन यू हैव टू गेट 50% मार्क्स। किसी भी वेटेज से आप इसको हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों एरियाज में से 50-50% नंबर लेने हैं, आपने ओवरऑल 50% नंबर्स लेने हैं। देन वी डिस्कस दैट अवर क्लास कंप्राइजेज ऑफ एफएससी स्टूडेंट्स। दे आर कमिंग फ्रॉम ऑपरेशनल लेवल 1 एंड ऑपरेशन लेवल 2। देन ग्रेजुएशन लेवल के बाद आने वाले जो हैं वो कॉमर्स ग्रेजुएट्स होंगे, उन्होंने ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग को थोड़ा पढ़ा होगा और इंशाल्लाह वो लोग भी यहाँ पे कुछ नई चीजें लर्न करेंगे। नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स को इसका नॉलेज थोड़ा कम होगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक वेरी बेसिक लेवल पे आके सारे कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर सकूं। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग यूज की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, दो तरह की अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये एक ऐसा सिस्टम है जो कॉस्टिंग की कैलकुलेशन में हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशंस की, मैनेजर्स की। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले कॉस्ट के वर्ड को लेके चले हैं, व्हाट इज अ कॉस्ट। तो कॉस्ट के दो कॉन्टेक्स्ट हमने डिफाइन किए एज अ नाउन, कि वेन एवर वी बाय समथिंग तो उसके जितने का हम बाय कर रहे हैं उसे हम कॉस्ट एज अ नाउन कहते हैं। देन कॉस्ट एज अ वर्ब, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट इज एनी फिजिकल आउटपुट। सर्विसेज मीन नो फिजिकल आउटपुट, जस्ट लाइक एजुकेशन। रिकमेंडेड बुक्स में मैंने आपको बताया कि आप ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसका टाइटल है। दिस बुक इज ऑलमोस्ट कवरिंग द होल सिलेबस। इसकी जो रिवीजन किट है उसके अंदर एमसीक्यूज और एमटीक्यूज दोनों हैं। तो रिवीजन किट में आपको प्रैक्टिसिंग मटेरियल मिल जाएगा और आपकी जो बुक है वो आपकी स्टडी मटेरियल सिलेबस के को कवर कर रही होगी। ACCA की बुक्स में या सीमा की बुक्स में दो पब्लिशर होते हैं, एक
कैपलान और एक बीपीपी। तो आप जो है कैपलान को फॉलो कर सकते हो, कैपलान का जो स्टडी मटेरियल है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। एसीसीए या सीमा दोनों में कैपलान का स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन किया। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज है? मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस वेयर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। देन हम सिलेबस को हमने देखा कि हमारा जो सिलेबस है वो कितने हिस्सों पे है, किसकी कितनी वेटेज है। सबसे पहले हमने एज अ लेमैन एक कॉस्ट की लिस्ट बनाई। आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आइंदा मैं इसी एग्जांपल से आपको कॉस्ट की क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से कॉस्ट को डिफरेंट तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास यही लिस्ट होगी, इस लिस्ट से हम इसको ऑनवर्ड लेके चलेंगे। देन हमने हैंडआउट्स में से सबसे पहले इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे कि हमने इस चैप्टर में ओवरऑल ये एरिया कवर करना है। व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट, ये कॉस्ट की डेफिनेशन है। देन वी डिस्कस यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट, यूनिट कॉस्ट मीन एक यूनिट की क्या कॉस्ट है और कॉस्ट यूनिट कॉस्ट किस हिसाब से चार्ज की जाती है। जस्ट लाइक एग्स हैं तो वह डजन में मिलते हैं, तो डजन इज अ कॉस्ट यूनिट। ब्रिक्स कंपनी है तो वो 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट चार्ज होती है, तो वो आपको 1000 ब्रिक्स के हिसाब से कॉस्ट चार्ज करेगी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी किलोवाट आवर्स के हिसाब से कॉस्ट चार्ज करेगी। कंसल्टेंसी जो है वो चार्जेबल आवर्स पे चार्ज करेगी। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंट्स पे, इसी तरह सेलिंग कस्टमर कॉल पे। फिर हमने बात की कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स की। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स वो हैं जिसमें हम एट ए टाइम दो चीजों को कंसिडर कर रहे होते हैं वाइल चार्जिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल्स हैं होटल्स पर रूम पर नाइट, देन बस और रेलवे पर पैसेंजर पर माइल, इसी तरह कुरियर कंपनी पर केजी पर किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कॉस्ट सेंटर्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। अ कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन और अ सर्विस लोकेशन, अ फंक्शन एन एक्टिविटी और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो कॉस्ट सेंटर एक ऐसी लोकेशन है, एक फंक्शन भी हो सकता है, एक एक्टिविटी भी हो सकती है जिसके लिहाज से हम कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इट मीन्स अ कॉस्ट सेंटर इज यूज्ड एज अ कलेक्टिव प्लेस फॉर कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द कॉस्ट सेंटर इज डिटरमिंड फॉर द पीरियड एंड देन द टोटल कॉस्ट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट यूनिट्स विच दे हैव प्रोसेस्ड। अगर हम इसको एक सिंपल सिनेरियो में डिस्कस करें, सपोज यू आर एज अ फैमिली, फैमिली में आप भी, आपका एक भाई भी है, लेट्स से दैट ही इज B1, अनदर ब्रदर B2, एंड यू हैव अ सिस्टर एज वेल S1। इट मींस हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आप समझे कि ये कंपनी थी, उसके ये चार डिपार्टमेंट्स थे। आप जो है वो आईसीएम में पढ़ रहे हैं। अब अगर आपके पेरेंट्स ये जानना चाहें कि आप पे क्या कॉस्ट है, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी उसमें कोचिंग फी सिर्फ आप से रिलेटेड है, देन
के चार्जेस हैं, देन अदर एक्सपेंसेस हैं जो प्योरली आपसे रिलेटेड है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होंगे जो कॉमन होंगे। तो बेसिकली एक फैक्ट्री को डिपार्टमेंट्स में या कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड इसलिए किया जाता है कि हम उस पर्टिकुलर लोकेशन की या उस पर्टिकुलर फंक्शन की कॉस्ट जान सकें। तो मैंने एक फैमिली को चार हिस्सों में डिवाइड किया, यू एज अ स्टूडेंट ऑफ आईसीएम में, देन B1, B2 एंड S1। तो हाँ, यही डेफिनेशन जो है वो आपकी यहां पे आपको नजर आ रही है। कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, यानी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो एक लोकेशन हो सकती है। अब फंक्शन, फंक्शन से मेरा क्या है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, सेलिंग एक फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक फंक्शन है, HR एक फंक्शन है, फाइनेंस एक फंक्शन है, दीज आर द फंक्शंस। तो हम चाहें तो प्रोडक्शन और सर्विस के लिहाज से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, चाहे तो फंक्शंस के लिहाज से भी, लाइक प्रोडक्शन, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, दीज आर द फंक्शंस। और एन एक्टिविटी और इवन एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, जस्ट लाइक मशीन है, तो मशीनरी फैक्ट्री में कई तरह की होगी, स्टिचिंग मशीनरी है, निटिंग है, तो मशीन की टाइप्स है। तो इवन वी कैन डिवाइड इक्विपमेंट एज अ कॉस्ट सेंटर्स। बेसिकली कॉस्ट सेंटर बनाने का मकसद यह है कि हमें पर्टिकुलरली उस चीज की कॉस्ट का पता चल सके। जैसे मैंने अभी आपकी फैमिली में कॉस्ट के हिसाब बताए, तो अगर हम देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलरली आप पे क्या खर्चे हो रहे हैं पेरेंट्स के, सो यू आर डिवाइडेड एज अ कॉस्ट सेंटर। टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, अभी हमने बात की, दिस माइट बी अ सर्विस लोकेशन। जैसे फैक्ट्री के अंदर स्टोर होता है, स्टोर का काम होता है रॉ मटेरियल को स्टोर करना, फिनिश गुड्स को स्टोर करना। कैंटीन होती है फैक्ट्री में, तो कैंटीन भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसलिए इसको हमने नाम दिया सर्विस लोकेशन। अगर फंक्शंस हैं तो सेल्स, HR, फाइनेंस, ये फंक्शन है। एक्टिविटी, क्योंकि डेफिनेशन में ये भी था कि कॉस्ट सेंटर में भी एन एक्टिविटी, तो एक्टिविटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन पे पर्टिकुलरली कितने खर्चे आपके हुए हैं, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए आपके कितने खर्चे हुए हैं। सो वी कैन डिवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू कॉस्ट सेंटर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। आइटम ऑफ इक्विपमेंट, पैकेजिंग मशीन है, बिल्डिंग है या अदर मशीन है, दीज आर द कॉस्ट सेंटर। सो आई रिपीट द कॉस्ट सेंटर अगेन, अ कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन और अ सर्विस लोकेशन, अ फंक्शन, एन एक्टिविटी और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट। दिस माइट बी अ लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, टू विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, यानी उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कॉस्ट को इकट्ठा करना। तो एग्जाम्पल्स मैंने दे दी सर्विस लोकेशन के भी, उसमें आपके डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, दोज हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, स्टोर्स, कैंटीन, फंक्शंस के लिहाज से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, HR, फाइनेंस, एक्टिविटी के लिहाज से क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, आइटम ऑफ इक्विपमेंट के लिहाज से पैकेजिंग मशीन, स्वीन मशीन, अदर मशीन्स और माइट बी अ बिल्डिंग। नाउ द लास्ट डेफिनेशन फॉर टुडे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट कैन बी असर्टेन्ड। That is, we can say that all cost centers are cost objectives. As per definition, cost object is anything for which cost can be ascertained. अगर मैं यहां पे वापस जाऊं, जहां पे एक फैमिली स्ट्रक्चर बनाया था, तो आपको एज अ मैंने कॉस्ट ऑब्जेक्ट ले लिया कि पर्टिकुलरली आप पे क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या कॉस्ट इंकर हो रही है। सो यू आर अ कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर ही कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऑल ऑफ द कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट सेंटर्स वी हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर आर देयरफॉर टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी जितने भी कॉस्ट सेंटर हमने अभी पढ़े हैं पिछले पेज पे, वो सारे के सारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं।
we have seen the quality control activity being treated as a cost center, and thus as the cost object, यानी वो cost center भी है और cost object भी है. हमने आज क्लास के स्टार्ट पे एक कॉस्ट की लिस्ट बनाई थी कि कॉस्ट में ये चीजें आती हैं एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में. जब हम शर्ट मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट की लिस्ट को डिस्कस करते हैं तो ये लिस्ट है. मैंने आपको कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप सामने मैंने ये दोबारा से शो कराया. आप इस पेज स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको किसी पेज पे नोट भी कर लीजिएगा. जी अब मैं क्वेश्चंस को जरा देख लेता हूँ. अगर आप में से कोई स्टूडेंट सवाल पूछना चाहता है तो वो इसी चैट बॉक्स में टाइप कर दे. मैं अभी जो हमारे साथ 8 मिनट्स हैं मैं इसमें जी एक क्वेश्चन है सैलरीज एंड कॉस्ट में डिफरेंस. अभी हमने उसको कैटेगराइज नहीं किया फर्दर में, अभी हमने जस्ट कॉस्ट की बात की है. कॉस्ट किसी भी तरह की हो सकती है, सैलरी भी कॉस्ट है, वेजेस भी कॉस्ट होती है, मटेरियल की कॉस्ट भी कॉस्ट है. आज फर्स्ट डे था, आप जस्ट ये समझे कि ये कॉस्ट में ये 20 पॉइंट जो मैंने आपको कहा है स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारी की सारी कॉस्ट है. कल हम इनको क्लासीफाई करेंगे, जो कि आपने वो हैंड आउट वाले में देखा भी है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज द नेक्स्ट पॉइंट. तो कल हम देखेंगे कि किस कॉस्ट को क्या कहेंगे, तो आज आप जस्ट इसको कॉस्ट ही रहने दें तो बेहतर है. जी नंबर के हवाले से मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करके बात बता दूंगा आपको. जी ACCA F2 की बुक और किट दोनों, बुक में आपको स्टडी टेक्स्ट मिलेगा और किट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे. ये जो मेरे हैंडआउट्स हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके लिए ये भी ठीक है, मेरे लिहाज से आप अगर इनको भी 100% पढ़ लेना तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है. लेकिन आजकल आपको पता है हर चीज गूगल से डाउनलोड हो जाती है, तो आप डाउनलोड कर लें एज अ गाइडिंग बुक, आप उसको यूज कर सकते हैं ACCA F2 की टेक्स्ट बुक को भी. और प्रैक्टिस किट से तो हमने एमसीक्यूज करने हैं, वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो भी कराया करूंगा और आपको एमसीक्यूज करके दिखाऊंगा भी. जी मैंने ये एग्जाम्पल एक दफा फिर आपको शो करा दी.
जी, क्रेडिट कंट्रोल क्या चीज़ है? क्रेडिट कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रेडिट कस्टमर्स को कंट्रोल करता है। सपोज करते हैं कि हमने सेल की, सेल्स उधार पे हुई, अब वो हमारा डेटर बन गया, तो वो उन डेटर्स को, एक बंदा नहीं है, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, तो उनको जो कंट्रोल कर रहा होगा उस डिपार्टमेंट को कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का फंक्शन क्रेडिट्स को कंट्रोल करना है, तो उनके लिहाज से जो कॉस्ट यूनिट होगा वो होगा कि उन्होंने कितने बंदों को कंट्रोल किया, कितने बंदों के अकाउंट्स को कंट्रोल किया। सो द कॉस्ट यूनिट इज अकाउंट्स मेंटेन्ड। जी, मैं आपको हैंडआउट शेयर करने का कोई प्रोसेस देख लेता हूँ वाया ईमेल, या हो सकता है पोर्टल में ही आपको ये फैसिलिटी कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि जी मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर किया जा सके। कल हम इंशाल्लाह कॉस्ट क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आज आपको फर्स्ट लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी वो समझ आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इन चीजों के भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, कल आपने क्लास अटेंड करने से पहले आज जो हमने काम किया था, इन सारी चीजों को एटलीस्ट 2 to 3 times रिवाइज करके आना है, ताकि मैं आपको कल आने वाली चीजें जो हैं वो एक बेटर वे में समझा सकूं। और कल आपके पास जो है वो नोटबुक, पेन और कैलकुलेटर्स होने चाहिए। कैलकुलेटर की जरूरत हमें एक आध दिन में आ जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिक्स की तरफ भी हम जाएंगे। तो मीनवाइल अभी तक आपको मैंने जो काम करवाया है आप उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज।
क्लास एंड हो गई है? चलो जी सर होगी। ठीक है सर, थैंक यू। ना सॉरी सर, वन आवर की क्लास थी ना, हो गई है सारा? ओवरऑल ठीक रहा? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हुई आज? नहीं सर, माशाल्लाह।